एक एंड्रॉयड डेवलपर फ्रीलांसिंग से कितना पैसा कमा सकता है? 50,000 महीना, 1,00,000 या फिर 5,00,000? अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन घूम रहा है कि फ्रीलांसिंग एज एन एंड्रॉयड डेवलपर वर्थ इट है या नहीं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट रूट्स। आज का टॉपिक एकदम इंटरेस्टिंग है, एंड्रॉयड डेवलपर की अर्निंग। मतलब अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर बन जाते हो तो रियलिस्टिकली कितना अर्न कर सकते हो, क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, एक प्रोजेक्ट का कितना चार्ज करना है और फ्रीलांसिंग में ग्रोथ कैसे होती है। आज हम इस सब पे डिटेल से बात करने वाले हैं। एंड्रॉयड एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ जॉब ही नहीं, फ्रीलांसिंग और अपने बिजनेस तक की अपॉर्चुनिटीज देती है। बस आपको इतना समझना होगा कि एफर्ट्स कहाँ डालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक एंड्रॉयड डेवलपर अर्न कितना करता है? इंडिया में एक एवरेज एंड्रॉयड डेवलपर की सैलरी होती है अराउंड 10 LPA एंड एक्सपीरियंस डेवलपर्स इजीली 20 LPA प्लस तक जा सकते हैं। इंटरनेशनली पिक्चर और भी लाइट है। एक एंड्रॉयड डेवलपर की एवरेज सैलरी $133,000 पर ईयर है, यानी 1 crore INR से भी ज्यादा। फ्रीलांसिंग साइड में भी अर्निंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है। इंटरमीडिएट लेवल के डेवलपर्स नॉर्मली $50 to $100 पर आर चार्ज करते हैं। सो मैं यही कहूँगा, अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती, लिमिट सिर्फ आपके स्किल्स और एफर्ट्स की होती है। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। फ्रेशर्स का सबसे बड़ा डाउट होता है क्लाइंट कैसे मिलेगा। प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं, लाइक फाइवर, अपवर्क या freelancer.com, और अगर थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे हो तो टॉपटल भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखो, सिर्फ प्रोफाइल बना लेने से क्लाइंट नहीं मिलेंगे। क्लाइंट्स को ये लगना चाहिए कि यू कैन एक्चुअली सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज योर आइडेंटिटी कार्ड इन फ्रीलांसिंग। आपके पोर्टफोलियो में कैसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, इस पे बात की है मैंने इस वाली वीडियो पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो एक बार जाके जरूर देखना। अब बात कर लेते हैं क्लाइंट ढूंढने के लिए कुछ टिप्स की। क्लाइंट्स सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स तक लिमिटेड नहीं होते। स्मार्ट फ्रीलांसर्स क्लाइंट्स को डायरेक्टली ट्विटर या लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं। बहुत से स्टार्टअप्स अपना वर्क आउटसोर्स करते हैं, और अगर आप उनके फाउंडर या मैनेजर को डायरेक्टली अप्रोच करके बताओ कि आई बिल्ट अ स्मॉल डेमो फॉर योर ऐप आइडिया, चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड विल बी हाई। और एक बात, डोंट फियर रिजेक्शन। हर नो के बाद एक यस जरूर मिलता है। रिजेक्शन इज जस्ट पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। आई नो स्टार्टिंग में क्लाइंट्स ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है के नीचे टारगेट करो। सोचो एक स्कूल के लिए अटेंडेंस ऐप, एक लोकल दुकान के लिए इन्वेंट्री ऐप या एक रेस्टोरेंट के लिए डिलीवरी ऐप। ऐसे सिंपल ऐप्स के लिए आप अपने सिटी के लोकल बिजनेसेस को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो, उनसे जाके बात कर सकते हो, उनके पास जाके डेमो दिखाओ, उनके लिए एक छोटा वर्जन बना के इम्प्रेस करो। इन ऐप्स की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सिंपल होती हैं, लेकिन लर्निंग और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल। और अर्निंग्स ये तो मैं कन्फर्म नहीं बता सकता, क्योंकि ये डिपेंड करती है क्लाइंट की पोटेंशियल। जैसे एक स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं और एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, नेचुरली बड़ा स्कूल ज़्यादा पे कर सकता है। किस स्कूल में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ये पता लगाना आपका काम है। इन सिंपल वर्ड्स, कौन सा क्लाइंट कितना पे कर सकता है ये पता लगाना आपका काम है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्लाइंट तो मिल गया, अब इससे चार्ज कितना करूं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर बिगनर यहाँ पे आके स्टक हो जाता है। होना बनता भी है, क्योंकि भैया आप डेवलपर हो, कोई सेल्स पर्सन तो नहीं, बट फिर भी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लाइक के बिगनर लेवल पे एक सिंपल बिजनेस ऐप के लिए $100 to $300 तक चार्ज कर सकते हो। इंटरमीडिएट लेवल पे जैसे ई कॉमर्स, बुकिंग, फूड डिलीवरी, यहाँ 1000 to 3000 तक इजीली चार्ज किया जा सकता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, ऐप की कम्प्लेक्सिटी, आपका एक्सपीरियंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइंट का बजट। नेवर अंडरप्राइस यूर हार्डवर्क, बट ऑलवेज कंसिडर क्लाइंट्स सिचुएशन। अगर एक छोटा रेस्टोरेंट डिलीवरी ऐप चाह रहा है तो उससे 1000 की डिमांड करना अनफेयर होगा, और अगर एक बिग चेन है तो उनसे $2000 to $3000 तक की डिमांड करना भी जस्टिफाइड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, लेकिन डिपेंड कर रहा है क्लाइंट पे। अगर हमारा क्लाइंट ज़्यादा बजट वाला है, वो ज़्यादा पे कर सकता है, तो सेम प्रोजेक्ट के लिए हम उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स बजट। और हाँ, एकदम स्टार्टिंग पे, लाइक अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट
बिल्कुल फ्री में या एक मिनिमल प्राइस पे लेना भी सही है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनियल्स प्राइसलेस होते हैं। बट जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, अपनी वैल्यू कभी कंप्रोमाइज मत करना। तो लास्ट पे मैं यही कहूंगा, फ्रीलांसिंग और अर्निंग कोई एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको कुछ क्लाइंट्स मिल गए तो आप खुद ही फील करोगे, यस आई एम अ रियल डेवलपर नाउ। आज छोटी एप्स बनाओगे तो ही कल बड़ी कंपनीज के लिए प्रोडक्शन लेवल तक की एप्स बना पाओगे। सफलता जरूर मिलेगी, बट कंडीशन ये है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। और अगर आपको ये जानना है कि 2025 के इस मॉडर्न एंड AI इरा में एंड्रॉयड डेवलपर का फ्यूचर कैसा, कैसे अपडेटेड रहना है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, तो इस सब पे बात की है मैंने इस वाली वीडियो पे। इस पर क्लिक करके आप एंड्रॉयड डेवलपर का फ्यूचर जान सकते हो।